रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन को थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस लिहाज से कि आपस में फैमिली के साथ कुछ आपको टाइम गुजारने का मौका मिल रहा होगा। यूज हैंड सैनिटाइजर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोग घर पे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बाहर से जाके ख़रीद भी रहे हैं और एक्सपेंस घर का बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि हैंड सैनिटाइज़र आपको बनाना सिखाऊं, एंड देन ऑफ कोर्स आपके हाथों की जो केयर है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जब हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन भी ड्राई करता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट होती है, यानी कि अल्कोहल होती है। उस अल्कोहल से ही तो एक्चुअली आपकी स्किन जो है वो डिसइंफेक्ट होती है। सो आज मैं आपको सिखाना चाहूँगी, और बाय द वे एक सर्टन मिकदार होनी चाहिए। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपको आपके साथ स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर रही हूँ साथ साथ। तो आपने बेसिकली जो चीज़ें डालनी हैं अपना हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए वो बहुत ही सिंपल हैं। ऑफकोर्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिटाइज़र बनाने के लिए, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड होती है, प्योर अल्कोहल बेस्ड होती है। उसके अलावा एलोवेरा का पौधा बहुत से लोगों के घरों में होता है, मेरे घर में भी है, तो मैंने उसका पौधा जो है उसके अंदर से जेल निकाल के अपने इस बोल में डाल दी है। कोई भी इसेंशियल ऑयल, मैं लैवेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप इतर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 कतरे इतर के डाल देंगे तो इसकी स्मेल जो है वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल होती है वो कम हो जाएगी। एंड देन प्योर ग्लिसरीन, आप ग्लिसरीन भी अगर डालेंगे तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके आपका सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग टू मेक, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमने उसकी स्मेल को भी रिस्पेक्टेबल रखना है तो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखिएगा कि एक दफ़ा जब आप सैनिटाइज़र अपना ये बना लेंगे तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में डालेंगे, आप इसको खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर वो सारी उसकी जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब सारा का सारा उसका वो कहते हैं ना उसके फ्यूम से वो उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। सो आई वॉन्ट कि आप अच्छी तरह से ये एक तो बनाना सीख लें और फिर इसको मुझे कहते हैं ना, अगर घर पे एक चीज़ बंदा बना ले तो क्या वो बेहतर नहीं है। तो मैं एक कांटा लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने एलोवेरा डाला है, मैंने अल्कोहल की स्पिरिट जिसको हम स्पिरिट कहते हैं वो डाली है, ग्लिसरीन मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। ये ज़रा घर पे जो आप सैनिटाइज़र बनाते हैं वो दूसरे सैनिटाइज़र से ज़्यादा लिक्विडी होता है, आप ये देख रहे हैं कि ये हो गया। अच्छा, अब ये हमारा जो है वो बेसिक सैनिटाइज़र तैयार हो गया। इसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनी इसेंशियल ऑयल अगर आप डालेंगे तो आपको इसके अंदर जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना ऑफ, ये देखिए मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर ऑयल डाल दिया। मैंने कहा इतर कोई भी इसेंशियल ऑयल डाल, रोज़ की स्मेल डाल लें तो इसकी स्मेल जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसको आपने याद रखिए, जो बाकी आपको सैनिटाइजर्स मार्केट में मिल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर अल्कोहल की मिकदार या जिसको स्पिरिट कहते हैं उसकी मिकदार बहुत कम है। अच्छा, अब ये जब आप सारी चीज़ें मिक्स करके लगाएंगे भी, एलोवेरा से थोड़ी सी आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने से बच जाएगी, ग्लिसरीन से भी कुछ उसका इफेक्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट भी हो जाएगा, लेवेंडर के फ्यू ड्रॉप्स जो आप डालेंगे उससे भी आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, स्पिरिट से स्किन बहुत ड्राई होती है। मैं भी सैनिटाइज़र यूज़ कर करके मेरी स्किन का बिड़खड़क हो गया, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वॉश कर लें तो बेहतर है। ये तो मैंने आपको होममेड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका बता दिया। वैसे तो रेडीमेड मार्केट से ले लें, और अगर रेडीमेड नहीं ले सकते तो देन माय जेन्युइन एडवाइस टू यू गाइस इज कि कोशिश करें कि आप हाथ धोएं, हाथ धोना बेहतर है। अगेन, बार बार हाथ धोने से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और फिर उसके भी सर्टन साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको हैंड सॉल्यूशन वो जो कह रहे हैं ना बनाने सिखाने लगी हूँ, मैंने आपको जैसे कि कहा कि एक तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, और वो ये है कि हैंड ड्राइंग। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे क्यूटिकल्स बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं, तो अब आ जाते हैं सैनिटाइज़र से टूवर्ड सैनिटाइज़र के असरात को निगेट कैसे किया जाए या हाथ की ड्राइनेस को कैसे हैंडल किया जाए। सिंपल पेट्रोलियम जेली मार्केट में मिलती है, सिंपल पेट्रोलियम जेली आपने लेनी है बहुत से नामों से, और इस तरह करके अपने नेल्स पे आपने नेल्स क्या क्यूटिकल्स जिसको हम कहते हैं उस पे लगा लेनी है। ये आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे करके अपने क्यूटिकल्स पे इसको लगा रही हूँ। अच्छा, आपने अपने क्यूटिकल्स पे इसको लगा लिया दोनों हाथों के। एक और चीज़ जो आपने करनी है, तो आपने अपने क्यूटिकल्स पे लगा लिया हाथों के, तो प्लीज़ अपने पाँव पे भी लगा दें। क्यों?
क्योंकि हाथ पांव का सीन तो एक ही होता है, और जहां पे थोड़ा सा अपने आप को आप हाथों को स्पॉइल कर रहे हैं, वहां पे आप अपने पांव को भी करते हैं, क्योंकि हाथ अगर जरूरी है तो पैर भी जरूरी है। अच्छा, ये आपने लगा के ना इस तरह छोड़ दिया, ये हमने इसके ऊपर छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं हाथों के लिए, वो जो एक सोल्यूशन सी मैं बनाती हूँ जिससे हाथों की ड्राइनेस कम हो जाती है, और वही चीज़ आप पैर पर भी लगा सकते हैं। सो आपने ये लगा के छोड़ दिया, यानी कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके हाथों पर लगा रहा, उतनी देर में आपने एलोवेरा, अब याद रखें हमने यही एलोवेरा जो है इस्तेमाल किया आपने उसके लिए बनाने के लिए अपने सैनिटाइजर को, आपने ये डाला। उसके अलावा आपने क्या किया कि आपने थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाला, तो आपने एलोवेरा भी डाला और थोड़ा सा आपने ग्लिसरीन भी डाल दिया उसके अंदर। अगेन मुझे स्मेल बड़ी पसंद है लैवेंडर की, तो मैंने लैवेंडर डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ बड़ी थिक बन जाती है तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, और आपने इसको मिक्स कर दिया। है तो ये थिक सी एक चीज़ जो बन गई है हाथ पे लगाने के लिए। अगर आपका जी चाह रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जहाँ मैं ये चीज़ें डालती हूँ, मैंने फ्यू ड्रॉप्स उसके भी डाल दी, उसके अलावा मैं कोई भी ऑयल, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, एप्रिकॉट हो, किसी भी किस्म के ऑयल के आधी चाय की चमची के साथ डाल दें और उसको मिक्स कर दें। ये एक, अब याद रखिए इसमें एलोवेरा है, इसमें ये देखिए ये हमने छोटी सी चीज़ तैयार कर दी, इसमें हमने एलोवेरा भी डाला है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल भी डाला है, कोकोनट डाल दें जो भी डालना है, उसके अलावा हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हमने एसेंशियल ऑयल डाले हैं, और इसके अंदर हमने अपना ग्लिसरीन भी डाला है। ये अब आपका एक सिंपल सा मिक्स बन गया, ये ठीक है। अब ये हमारा बन गया, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है। अब हमारे हाथों पे याद रखें कि हमने वो पेट्रोलियम जेली लगा के छोड़ दिया है, 5 मिनट के लिए मैक्सिमम लगाना था। अब आपने अपने हाथों पे ये जो हमने ये बनाई है, ये आपने ऐसे करके अपने हाथों के ऊपर मली, और जो आपके हाथों पे वो वैसलीन भी या जो पेट्रोलियम जेली लगी थी वो भी आपने ऐसे करके रब कर दी ऑन टू द नेल्स, और एंड वो एक तरह से इस मिक्सचर का हिस्सा ही बन जाती है, तो वो आपने लगा दिया। अब मेरी आपसे, और बाय द वे ये सिर्फ हाथों की हद तक नहीं, अगर आप अपने एल्बोस तक यहाँ तक लगाएं तो बेहतर है, मैंने क्योंकि जूलरी पहनी इसलिए मैं अभी लगा रही। ये आपने लगा के इसको छोड़ दिया। ये सोल्यूशन इतना है कि एक पूरी दफ़ा में आप अपने हाथों पे भी लगा लें और अपने पैरों पे भी, और फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बाकी का है उसको आप वाइप ऑफ कर लें, इसको वॉश करने के, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है हल्की हल्की लैवेंडर की। अगर आप फ्यू ड्रॉप्स में इतर के डालने चाहें, रोज़ मतलब के भी एसेंशियल ऑयल के कतरे होते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास जो है, कुछ लोगों को संदल का बहुत पसंद है, जो भी पसंद है वो लगा के छोड़ दें। अब अगर आप इसको लिटरली 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, आधा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा आपने टिश्यू लिया या कोई भी चीज़ ली, उसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और यू आर गुड टू गो। तो बहुत ज़्यादा ये ग्रीसी भी नहीं होता, और ये इतना अच्छा सॉफ्ट आपके हाथों को कर देता है कि वो जो एक बार बार धोने से, बार बार सैनिटाइज करने से, देखें हमने जब बार बार हाथ धोने हैं आजकल, तो हमने उनको ऑब्वियसली साबुन से ही धोना है, तो जब आप साबुन से 20 सेकंड के लिए दिन में 10 दफ़ा हाथ धोएंगे तो क्या होगा, हाथों में ड्राइनेस भी होगी, हाथ फ्लेकी भी होने शुरू हो जाएंगे, इश्यूज़ तो होंगे। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि अपने हाथों को दिन में एक दफ़ा, ये आप शाम को अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं कि दिन में आपने कर लिए, ये बाय द वे बच्चों के भी आप कर सकते हैं, आपने अपने बच्चों के क्यूटिकल्स पे, जिस तरह हसन को ये इशू नहीं है, बट हमजा जो मेरे 14 ईयर्स के बेटे हैं उनको हो जाता है इस तरह, क्यूटिकल्स उनकी जिस तरह कटनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है, तो ये आप इस तरह करके पेट्रोलियम जेली लगाई, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपने सिंपल सा सोल्यूशन है घर में, मतलब बहुत से लोगों के घर में ग्लिसरीन और एलोवेरा का, ग्लिसरीन भी होती है और एलोवेरा का पौधा भी होता है, अगर आपने कोई उसमें खुशबू कह रही हूँ, खुशबू की स्मेल नहीं भी डालनी है, डजेंट मैटर, पेट्रोलियम जेली भी ज़्यादातर घरों में होता है। और बाय द वे अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो तो प्योर पेट्रोलियम जेली भी आप अपने पूरे हाथों के ऊपर लगा के, प्लास्टिक का उसके ऊपर बैग चढ़ा के, या सॉक्स जो नहीं होते नॉर्मल जिनको जरा भैया मोजे कहते हैं, सॉक्स जो है आपने अपने हाथों पे चढ़ा लिए और पैरों पे भी इसी तरह लगा के चढ़ा लिए, और आपने 15 मिनट के लिए भी छोड़ दिया, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
होम हैंड सैनिटाइजर बनाना भी मैंने आप लोगों को सिखाया, वेरी वेरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, बट ऑब्वियसली इस मतलब स्पिरिट को हैंडल करते हुए भी हमें सोच समझ के करना चाहिए. एंड देन उसकी मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसके एग्जैक्ट अमाउंट्स आपको स्क्रीन पे हम दिखाते रहेंगे साथ साथ, तो वो भी आपको बनाना सिखाया. दीज आर ऑल थिंग्स ज़्यादातर जो घर में होती है, स्पिरिट लोगों के घर में नहीं होती, बट बाकी चीज़ें तो यूजली घर पर होती ही हैं. मेरी रिकमेंडेशन, हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए, बेहतरीन चीज़ है, हर डॉक्टर भी यही रेकमेंड करता है. उसके अलावा अगर हाथ बार बार धोने की वजह से या सैनिटाइजर लगाने की वजह से हाथों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो उसका बहुत बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये जो मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया है घर में जो आप बना सकते हैं. बाय द वे आप ये बना के जो मैंने आपको हाथों की और पैरों की चीज़ बताई है, ये एक हफ्ते 10 दिन तक आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं. सो अगर डेली आपने ये चीज़ बनानी है तो उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कर दें, बना के रख दें पेट्रोलियम जेली क्यूटिकल्स पे और पाँव के भी क्यूटिकल्स पे, उसके बाद ये आपने अपने हाथों पे लगा लिया. और पाँव पे जब आपने ये लगाया तो बेशक सॉक्स चढ़ा लें 10-15 मिनट के लिए, इतने नरम आपके हाथ पाँव हो जाएंगे कि आप दुआएं देंगे मुझे. खैर, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इज़ वेल एंड योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा.